चेक करो एक बार, हमेशा सर पे ही लगा देते हो तुम लोग यार, सर की दिक्कत होगी तभी वॉइस कट रहा है। चलो ठीक है, बाकी को तो आ रही अच्छे से। चलो अटेंडेंस लेते अपन, पता चल जाएगा कितना वॉइस कट रहा है कितना वॉइस आ रहा है। किरमी, एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, पूजा, प्रेजेंट सर, भूमिका, प्रेजेंट सर, मितेश, प्रेजेंट सर, साहिल, प्रेजेंट सर, स्टेफी, प्रेजेंट सर, ओम पटेल, प्रेजेंट सर। क्या बात है, आज तो सबकी आवाज आ रही है, एकदम दबंग बन गए बच्चे हमारे, बहुत अच्छा लग रहा है। केशवी राणा, प्रेजेंट सर, कृपल, दर्शनिका, टीशा, टीशा की आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या बात है बेटा, जोर से बोला कर, देख सब कितने बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाया कर। दर्शित, प्रेजेंट सर, हाँ ऐसे बोला कर। वंश, प्रेजेंट सर, मयूर, खुशबू, निराली, लीजा, प्रेजेंट सर, कौन है लीजा, है लीजा है कि निराली है बेटा, पता ही नहीं चला मैंने, निराली, निराली है, ओके 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 बेटा, लीजा, तनुश्री, दीप, तन्वी, प्रेजेंट, अच्छा दीप इज प्रेजेंट, तन्वी, शिवानी, कैनिल, संजो, अदिति, जील, ओके, अब आ जाओ एसवी वाले बच्चे। आदित्य, यस सर, वर्षिल, प्रेजेंट सर, खुशी पटेल, प्रेजेंट सर, यश, यश, नील पटेल, प्रेजेंट सर, भावना, प्रेजेंट सर, ध्रुव, ब्रज, चंदन, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, ब्रूत, ब्रूत कहाँ चला गया, अभिषेक, प्रेजेंट सर, कुश पटेल, प्रेजेंट सर, ओके बहुत दूर से आवाज निकाली तुमने, प्रियांशी, प्रेजेंट सर, धार्मिक, लक्ष, प्रेजेंट सर, हर्ष, प्रेजेंट सर, नंदिनी, प्रेजेंट सर, मनीषा, प्रेजेंट सर, संजना, प्रेजेंट सर, जयवीर, पल्लव, प्रेजेंट सर, पल्लव आ गया, हाँ सर, क्या बात है, देवराज, हर्षिल, ये देवराज और हर्षिल ने कसम खा के रखी है कि हम मॉर्निंग की क्लास अटेंड ही नहीं करेंगे, हाँ? चलो मेरे ख्याल से सबका अटेंडेंस हो गया है, अब कोई रहता है तो बताओ। दर्शनिका रह गई, दर्शनिका रह गई, और कौन रह गया, लीजा, ओके, एनीबडी एल्स, डन डना डन, सर आई एम प्रेजेंट, ब्रूथ इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, मयूर भी आ गया,
यश भी आ गया, वंश दलाल भी आ गया, अच्छा सभी आ गए अब। मयूर इज ऑल्सो प्रेजेंट, यश मोराडिया, ध्रुव चौधरी, ओके आज प्योर हिंदी में बोलेंगे अपन, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलेंगे, मतलब प्योर तो क्या ही होता है आजकल, प्योर जैसा कुछ रहा ही नहीं है दुनिया में, सब कुछ मिक्सचर ही मिलता है, तो अपन भी हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रखेंगे। कहाँ गया अभी, और कौन रह गया? मेरे ख्याल से सब डन डना डन हो गए, कोई रह तो नहीं क्या भाई? हाँ भाई, कोई रह गया तो बता दो, मन की तमन्ना, मन की इच्छा पूरी कर लो। क्लास स्टार्ट करते अपन। चलो, कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? अच्छा, पहले मेरे को आपसे वो बात करनी थी सिलेबस के रिगार्डिंग। देखो, एसवी वाले बच्चों का तो सिलेबस डिस्कशन हो गया था ना, पीपी सवानी वाले बच्चों का सिलेबस का डिस्कशन रहता था। पीपी सवानी वाले बच्चे बताएंगे भैया कितना सिलेबस रखना है अपने को। मेरी तरफ से आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आज, आज की क्लास में 6 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग बताओ, 6 के 6 पढ़ लोगे पीपी सवानी? नहीं सर, फिर 5 चैप्टर रख दे क्या? वन टू सिक्स एक्सेप्ट 5, 3 ही रखो बेटा, ये तो कोई रूल नहीं है, सेमेस्टर का एग्जाम है, कोई यूनिट टेस्ट थोड़ी ले रहा हूँ मैं। 3 चैप्टर में तो यूनिट टेस्ट होता है बेटा, ये आपका सेमेस्टर का पेपर है, मतलब आप एक तरफ से समझो आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, उस टाइप का पेपर है ये। इसका वेटेज रहेगा आपका 100 नंबर का, 100 मार्क का पेपर रहेगा आपका, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें 3 चैप्टर पूछूंगा, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी बेटा। जितने चैप्टर कम करोगे उतने ज़्यादा आपका सिलेबस तो बढ़ेगा ही ना, अंदर से आपको पूछूंगा क्वेश्चन। चैप्टर जितने कम हो जाएंगे उतने डीप में आपको चैप्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, लेवल इंक्रीज हो जाएगा चैप्टर का, सोच समझ के बोलो। मेरे हिसाब से 5 चैप्टर इनफ हो जाएंगे, एग्ज़ाम का भी कोई ठिकाना नहीं है। मे बी आपका भी, जैसे एसवी वाले बच्चों का तो अक्टूबर एंड में हो रहा है ना, 22 अक्टूबर के डेट आ गई इनकी। पीपी सवानी वालों का अक्टूबर एंड में या तो नवंबर फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल से हो जाएगा। हाँ, 19 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। फिजिक्स का पेपर कब है? फिजिक्स का तो 22 को है ना एसवी वालों का। हाँ, फिजिक्स का तो 22 को है ना आपका एसवी स्टूडेंट्स। तो पीपी सवानी वालों का भी अच्छा 27 से स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, पीपी सवानी वालों का भी अक्टूबर एंड में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर फर्स्ट वीक से या अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था सिलेबस पहले ही आपको बता दूं, ताकि आप लोग प्रिपेयर करके रखो, बाद में खिचड़ी मत बना देना, सर आपने ये नहीं किया वो नहीं किया हमें कुछ पता नहीं था, है ना, बाद में खिचड़ी मत बना देना। 5 चैप्टर रख देते हैं, ठीक है। 6th वाला चलो रिलीफ कर देता हूँ आप लोगों को, या 6 रखूँ? 6 के 6 कवर कर लोगे पूरे? 5 रखूं, 5 के साथ ज़्यादा जनता है ना। 4 तो नहीं रखूंगा मैं, या तो 5 रखूंगा या 6 रखूंगा, 4 तो है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं है है ना। हाँ, 5 चैप्टर ठीक है ना, तो फर्स्ट 5 चैप्टर रख देते हैं आपके सिलेबस में। हमारे भी 5 ही रखो, एसवी वाले बच्चे बोल रहे हैं हमारे साथ ना इंसाफी हो गई सर, हमारे भी 5 रखो चलो ठीक है, एसवी वालों को भी रिलीफ दे देते बेटा, दोनों के लिए सेम कोर्स रख देते हैं, पीपी सवानी के भी 5 चैप्टर्स, एसवी वालों के लिए भी 5 चैप्टर, बस अब तो खुश हो बेटा। इक्वालिटी रखनी चाहिए बेटा, दोनों बच्चों के साथ सेम चीज़ रखी, बस किसी को भी फील ना हो कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, दोनों के लिए सेम रख दिया 5 5 चैप्टर्स, ठीक है। चलो, अब तो खुश हो ना,
हाँ चलो ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। लेकिन 5 चैप्टर रखे, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से, जो 5 चैप्टर रखे उसको फुल एफिशिएंटली पढ़ना, अच्छे से बढ़िया से तैयारी करके आना, ठीक है? चलो ठीक है, अभी सिलेबस की चर्चा हो गई है। हाँ, ओम पटेल फर्स्ट 5 चैप्टर्स ही रखे हमने, फिर सीक्वेंस में ही चलेंगे, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेंगे ना। फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट भी है, 6 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए फर्स्ट 5 चैप्टर्स हम रख देते हैं आपका सेम वन में, दोनों के लिए, पीपी सवानी के लिए भी, एसवीवी के लिए भी। कोई पार्शलिटी नहीं भाई हमारे पास, दोनों के साथ इक्वालिटी कर देते हैं, ठीक है बेटा? चलो अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, सबको समझ आ गया था ना, म्यूचुअल इंडक्शन की बातें कर रहे थे अपन। एसवी वालों का 70 मार्क्स का एग्जाम है। हाँ एसवी वालों का 70 मार्क्स का है। एक मिनट रुको मैं देख लेता हूँ टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, वेट करो। सेवेंटी मार्क्स का है, हाँ एस वी वालों का 70 का है और पीपी सवानी का 100 मार्क्स का, ठीक है? इस तरह से आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी। पीपी सवानी का 100 मार्क का, इसका 70 मार्क। टाइम दोनों को सेम ही मिलेगा, लेकिन 3 घंटे इनको भी मिलेंगे, 3 घंटे इनको भी मिलेंगे, ठीक है? हाँ टाइम दोनों को सेम मिलेगा, 3-3 घंटे का उनका 70 मार्क का, उनका 100 मार्क का पेपर है, ठीक है? चलो अच्छा, कई बच्चों को ऐसा लग रहा है सर हमारी नेक्स्ट एग्जाम पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा अगर आप चैप्टर कम करोगे तो, 5 चैप्टर रखोगे तो नेक्स्ट एग्जाम में ज़्यादा लोड हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या आपके साथ? है बेटा, कई बच्चों को लग रहा है सर चैप्टर कम मत रखो ज़्यादा रखो, कई बच्चे ऐसे भी हैं, ऐसा कुछ है तो बता दो। ज़्यादा लोड अगर आप पे पड़ेगा तो हम 6 चैप्टर रख देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी तरफ से सिलेबस कवर्ड है 6 चैप्टर तक, आज की क्लास में मैं 6 चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा, पढ़ना आप लोगों ने, इसलिए मैं आपका सजेशन पहले ले रहा था। मैक्सिमम जनता जो बोलेगी वही हम रखेंगे। कई बच्चे ऐसा बोल रहे सर 6 के 6 चैप्टर रख दो पूरे के पूरे, ताकि नेक्स्ट एग्जाम पे थोड़ा कम लोड रहेगा हमारे पे, ठीक है? बच्चा हर तरीके से सोचते हैं ना, जो मेजोरिटी होगी हम वो काम कर देंगे फिर, है ना? हाँ देखो केशवी क्या बोल रही है, 9 चैप्टर पेंडिंग रहेंगे फिर। अच्छा तो आज का दिन आपको और दे रहा हूँ, देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करो, आज का दिन और सोच लो, आज का दिन आप लोगों को और दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो 5 चैप्टर रखने की 6 चैप्टर रखना है, क्योंकि एक बार फिर पेपर डिज़ाइन हो जाएगा फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, एक बार आपका पेपर बन जाएगा फिर मैं मॉडिफाई नहीं करूँगा, तो पहले डिसाइड कर लो। एक दिन और आपको दे देता हूँ, एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल तक बता दो मेरे को, ठीक है? कल तक थोड़ा सोच विचार लो अच्छे से, आपस में आप लोग सब बात कर लो अपने दोस्त यारों से, तसल्ली वसल्ली ले लो, अच्छे से बताओ फिर, ठीक है? हाँ एग्ज़ाम आपका वही होगा जैसे अभी तक हो रहा है, वैसे ही होगा, जिस तरह से अभी तक आपने यूनिट टेस्ट दिए है उसी पैटर्न में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? हाँ पीपी सवानी का 50 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहेगा, सही बात है बिल्कुल बेटा, टीशा इज़ वेरी राइट। हाँ 50 MCQ 50 आपका रिटर्न, ठीक है? चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 रखने की 6 रखने, आप मुझे कल फाइनल बता देना, ठीक है? SVE वालों के तो 5 चैप्टर फाइनल है, ठीक है? SVE वालों को किसी को दिक्कत नहीं है, PP सवानी वाले बता देंगे 5 रखने की 6 रखने, ठीक है? चलो जिस हिसाब से आप लोग बोलोगे वैसा अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया इसमें, टाइम निकल जाएगा बहुत सारा, बाकी आपस में डिस्कस करते रहना आप। कल हमने क्या पढ़ लिया था? हाँ प्रीवियस क्लास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो इंडक्टर होता है ना आपका, इंडक्टर का जो प्रिंसिपल होता है बिल्कुल कैपेसिटर की तरह होता है, इंडक्टर का जो प्रिंसिपल होता है बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही होता है। कैपेसिटर में जो आपका एनर्जी का स्टोरेज होता है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, ये हमने डिराइव किया था। और कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। फर्क इतना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी का स्टोरेज रहता है। ठीक है, दोनों में हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली, मतलब एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों में हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी सोलेनोइड के लिए। अगर हमारे पास कोई सोलेनोइड है तो हमने उसके लिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कल डिराइव करी थी। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया था बेटा? अच्छा, ये कौन बोल रहा है बेटा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, एक मिनट रुको। सर मेरे डाउट्स हैं, हाँ डाउट्स क्लियर करवाता हूँ मैं अभी सारे। कौन से डाउट है जल्दी से बता दो, पहले डाउट्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं। आरती सिंह क्या बोल रही है, माइक में बोलो, हमारा पेपर पैटर्न कितने एमसीक्यू है? अच्छा, वृत्त का बेटा आप लोगों के एमसीक्यू शायद नहीं है पेपर पैटर्न में, एसवी वाले सर बच्चों को बता दे। भी आते हैं अभी तो। हाँ बेटा, कितने एमसीक्यू रखे हैं, मैं आपका पेपर पैटर्न एक बार बता देता हूँ, कितने एमसीक्यू आप लोगों ने रखे हुए हैं। ठीक है, आपको पेपर पैटर्न शायद ग्रुप में शेयर कर दिया था ना सर ने, सबको शेयर तो कर दिया था, एसवी वाले बच्चों को शेयर कर दिया था ना। हाँ, 1 मार्क के एमसीक्यू है आपके, टोटल आपके 20 एमसीक्यू हैं। हाँ, 20 जितने एमसीक्यू आपके आएंगे, 20। ठीक है, एसवीवी वालों के 20 एमसीक्यू रहेंगे और 50 मार्क्स का आपका थ्योरी वाला पेपर रहेगा, तो आपके हो गए 70। सर इन्वर्स कर दो, नहीं चलेगा। और इन्वर्स कर दूंगा मतलब 50 मार्क्स के एमसीक्यू पूछ लूं? हाँ नहीं बेटा, इतना ज़्यादा थोड़ी आता है, ऐसा पेपर आएगा ही नहीं। जब बोर्ड पैटर्न फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं ना हमको, हम कोई वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम थोड़ी ले रहे हैं यहाँ पे, ये तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है आपकी। इधर एंट्रेंस में कर दूंगा, इसका इन्वर्स कर दूंगा, जितने बोलोगे 100 में से 100 एमसीक्यू दे दूंगा। पीपी सवानी में ये पैटर्न फॉलो होगा, 50 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 50 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, मतलब 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, एसवी में 20 ऑब्जेक्टिव एंड 50 सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। चलो ठीक है, हाँ टाइम दोनों को सेम ही मिलेगा, 3 घंटे दोनों को अलॉटेड है, 3 आवर्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे मिलेंगे। हाँ, डाउट्स डिस्कस कर लेते फटाफट। कौन सा डाउट था पहला आपका, किसका डाउट है जल्दी बताओ। ईएमआई वाला चैप्टर खत्म होने वाला है, अब जल्दी से डाउट्स बता लो कौन कौन से हैं, क्योंकि फिर इसके बाद फिर मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो। एग्जाम्पल नंबर 6.8, 6.9 और 6.10। अच्छा, 6.8 पे आ जाओ सबसे पहले, 6.8 में क्या डाउट आ गया भाई? 6.8, अच्छा ये तो मैंने क्लास में करवाया था, फिर से करवाता हूँ, देखो बच्चों को डाउट आ रही है, सब लोग देखोगे। एग्जाम्पल नंबर 6.8 एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 6.8 एनसीईआरटी, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रॉड दी हुई है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में अवेलेबल नहीं है, है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मैं बात करूँ तो ये वाले रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कुछ ही पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, इतने से रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लेंथ है आपकी, ये पार्ट की लेंथ आपकी एल दी हुई है, दिस लेंथ इज एल गिवन एंड दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू जीरो,
दिस इज योर एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होती है, और यहाँ पे एक रीज़न है, यहाँ पे आपका एक्स इज इक्वल टू टू बी। ठीक है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था वैसे एक बार, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि डाउट आया है। तो अब देखो, यहाँ पे आपके दो रीजन बन रहे हैं, एक तो आपका जो रीजन है एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एक्स इक्वल टू बी तक, और दूसरा जो रीजन है एक्स इक्वल टू बी से लेके एक्स इक्वल टू टू बी तक। ठीक है, यहाँ पे आपके दो रीजन्स फ्रेम हो रहे हैं, है ना, एक तो ज़ीरो से लेके बी तक और बी से लेके टू बी तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ आया? अब इधर देखो, हमें सबसे पहले निकालना है क्वेश्चन में कि फ्लक्स कितना होगा। सब कुछ निकाल देते हैं, फ्लक्स निकालेंगे, ईएमएफ निकालेंगे, पावर निकालेंगे, करंट निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले अपन फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, तो फ्लक्स आपका फर्स्ट रीजन में कितना होगा, जब आपका एक्स का वैल्यू ज़ीरो से लेके बी तक चेंज होगा। एक्स का वैल्यू अगर आपका ज़ीरो से बी वेरी कर रहा है, तो आपका फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज करेगा, एक्स के साथ आपका एरिया इंक्रीज होगा। देखो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब आपकी रॉड यहाँ पे थी, है ना, ये रॉड वी वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे आपकी रॉड इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पे थी, फिर ये आगे मूव करती गई, है ना, तो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगी उतना ज़्यादा आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनक्लोज्ड हो रहा है ना, आपका एरिया इंक्रीज होते जा रहा है। देखो, वन पॉइंट से जब आप थ्री पॉइंट पे मूव करोगे तो आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है अंदर का, जो मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज कर रही, तो आपका फ्लक्स होगा वेरिएबल होगा, विच इज बी इंटू बी ए कॉस थीटा, है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो, एल इंटू एक्स, एक्स आपका वेरिएबल डिस्टेंस, बी इंटू एल इंटू एक्स। तो मैंने फ्लक्स का वैल्यू निकाल दिया, ये वैल्यू आपका तब होगा जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बी पॉइंट तक वेरी कर रहा है, अब बी पॉइंट के बाद जब मैं आगे जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब जितना फ्लक्स आपका एक्स इक्वल टू बी पे होगा उतना ही फ्लक्स आपका ये वाले रीजन में भी रहेगा। यहाँ पे जो फ्लक्स आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू बी पे, इसके बाद आपका फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे जो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, यहाँ पे कितना फ्लक्स मिलेगा, बी इंटू एल इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे रॉड का जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स रॉड का इस रीजन में भी होगा, उतना ही फ्लक्स रॉड का इस रीजन में भी होगा। फिर फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाए क्योंकि एरिया का चेंज होना बंद होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू बी। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी का से लेके टू बी तक। ठीक है, इतने रीजन में आपका ये वाला फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा, यहाँ तक क्लियर हो? उस रीजन में आपका फील्ड ही नहीं है तो आपके फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, हाँ, अगर इतनी बात हमें समझ आ गई है तो फिर हम ईएमएफ निकाल देते हैं फैराडे लॉ लगा के। अब सिंपल है, आपको फैराडे लॉ लगाना है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और ये वाला रूल जो है फैराडे का, आप दोनों रीजन के लिए अप्लाई करोगे, इस रीजन के लिए भी अप्लाई करोगे, इस रीजन के लिए भी अप्लाई करोगे, है ना। तो फर्स्ट रीजन के लिए अप्लाई करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा माइनस बी एल, और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा आपका वी वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी विल बी योर वेलोसिटी। दिस इज़ फॉर रीजन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू बी। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ व्हेन योर एक्स इज़ वेरिंग फ्रॉम बी टू टू बी। ठीक है, तो B से 2B में कोई भी आपका EMF जनरेट नहीं होगा क्योंकि आपका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फ्लक्स इज़ नॉट वेरिएबल। तो ये हमें EMF मिल गया दोनों रीजन्स का। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट भी आप निकाल सकते हो, करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I इज़ इक्वल टू योर EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों रीजन्स के लिए करंट निकाल लोगे तो पहले के लिए कितना आ जाएगा, माइनस बी एल वी अपॉन आर, वेर आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ योर रॉड। आर किसका रेजिस्टेंस है, रॉड का रेजिस्टेंस। देखो इधर, ये आपकी जो रॉड मूव हो रही है इसका कुछ रेजिस्टेंस है आर, ये रॉड जो है ना इसका कुछ रेजिस्टेंस है आर।
अच्छा ये वाले पार्ट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो जिस मटेरियल पे ये रॉड आपकी मूव कर रही है तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, है ना? ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाले जो सेक्शन है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जितना भी रेजिस्टेंस है सारा का सारा इस रॉड का, ठीक है? तो इस रॉड की में कितना करंट इंड्यूस होगा वो भी मैंने निकाल लिया। इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, माइनस बी एल वी अपॉन आर, ठीक है? अच्छा, दिस इज़ फॉर रीजन एक्स, व्हेन योर एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू बी, व्हेन योर एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू बी। अच्छा, बी से ज़्यादा जब जाओगे तो ई एम एफ ही आपका जीरो है तो करंट भी जीरो हो जाएगा, है ना? बी से ग्रेटर वाले रीजन के लिए आपका करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए? करंट का वैल्यू भी मिल गया। इसके बाद आपको क्या निकालना रहता है, पावर। पहले फोर्स निकाल लो फिर पावर निकालते। अच्छा, फोर्स कैसे निकालते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, यही आपका फोर्स का इक्वेशन रहता है, मैग्नेटिक फोर्स यही होता है, ठीक है? और लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन 90। रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में देखो दोनों वेक्टर्स में एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 विच इज इक्वल टू आई एल बी। तो बस यहाँ से आप फोर्स का वैल्यू लिख दोगे, फोर्स कितना लगेगा, करंट का वैल्यू पता है हमें, बी एल बी अपॉन आर, ठीक है? बी एल बी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी, तो ये आपका हो जाएगा फोर्स, ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स आपका हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स भी आपका ये वाले रीजन में ही लगेगा, जीरो से बी, बी से जब ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी ना, ये वाले रीजन में तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, तो ये सेकेंड रीजन में आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स आपका ये फर्स्ट रीजन में ही लगेगा, फर्स्ट रीजन में मतलब एक्स इक्वल टू जीरो से लेके बी तक, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके बी तक आपका इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है? और मैग्नेटिक फोर्स के बाद अब पावर भी निकाल लो, इसका पावर कितना हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हम इस रॉड को देखो एनालाइज करो, हम इस रॉड को ना बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है। नेट फोर्स क्या होता है, विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? और जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। तो नेट फोर्स तो इस, अगर बॉडी की बात करूं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस पे नेट फोर्स तो जीरो होना ही होना है ना, नेट फोर्स जीरो है तो भी ये ऑब्जेक्ट आगे क्यों बढ़ रहा है, आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ये, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़, ठीक है? तो जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करोगे तो जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी हीट के फॉर्म में आपकी लॉस हो जाएगी, है ना? जितनी भी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में आपकी लॉस हो रही, तो एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस होगी वो कितनी होगी, हमें पता है हीट एनर्जी क्या होती है, आई स्क्वायर आर, ठीक है? इसी को हम पावर बोलते हैं, हीट के फॉर्म में जो पावर हमारा लॉस हो रहा है दैट इज़ योर आई स्क्वायर आर। तो इतना हमारा पावर का लॉस हो रहा है कि जब आपकी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, है ना? जब हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे तो जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो सारी की सारी इस रेजिस्टेंस में, इस रॉड के रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, ठीक है? हीट के फॉर्म में वो एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है? तो कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। हाँ, करंट का वैल्यू हमें पता चल ही गया, तो करंट का वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दोगे, है ना? करंट का वैल्यू आपका बी एल वी अपॉन आर, है ना? और इसका स्क्वायर कर दोगे और इसको आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो यहाँ से आपको पावर मिल जाएगा। अब ये जो पावर भी जनरेट होगा कौन से रीजन में जनरेट होगा, आप जिस रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ना, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू बी, इतने रीजन में ही आपका ये जो है हीट का लॉस होगा। इसके बाद वाले रीजन में आपका करंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो लॉस काय का होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है? तो इसके बाद वाले रीजन में आपका कोई भी हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा,
फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू बी टू टू बी से लेके, ठीक है? समझ आ गया एग्जाम्पल? ये वाला काफ़ी शानदार एग्जाम्पल है, एक दो बार आप इसको देख लेना, बहुत सारे कंसेप्ट इससे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एनसीईआरटी के कई कई एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप उसको मन लगा के सॉल्व करोगे, इसमें आपके कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर निकल जाते हैं, ठीक है? अब नीट वाला क्या करता है, नीट वाला एग्जाम वाला इसी में से ऑब्जेक्टिव उठा लेता है। नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, वो एक पार्ट आपको पूछ लेगा, फाइंड करने को बोलेगा करंट निकालो, सिंपल आप करंट निकाल दोगे। वो आपको क्वेश्चन में ये भी स्पेसिफाई करेगा कि इस रीजन में करंट कितना होगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर वो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इस रीजन में करंट कितना होगा, तो आपका आंसर 0 होना चाहिए। इस प्रकार आपके देखो 2 ऑब्जेक्टिव इस पर बन सकते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव इस पर बन सकते हैं, 2-2 ऑब्जेक्टिव करके बनाओ तो 10 ऑब्जेक्टिव तो मैं इसी क्वेश्चन पर फ्रेम कर सकता हूँ। आपको फोर्स भी पूछ सकता हूँ, आपको पावर भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ, जितना भी पूछ सकता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है? बात समझ आई? इस तरह से वो एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये सब चीज़ें। मैंने आपको पहले ही बताया आपका 60-70% जो प्रिपरेशन होता है एनसीईआरटी से हो जाता है। एनसीईआरटी को जितना डीपली आप स्टडी करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी भी एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, कोई भी टीचर आपको ऐसा मिसगाइड नहीं करेगा कि बेटा एनसीईआरटी को मत पढ़ो। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि बेटा एनसीईआरटी को मत पढ़ो, हर टीचर आपको यही बोलेगा पहले एनसीईआरटी को पढ़ो बाद में कोई दूसरी बुक पढ़ो, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी में आपका 100% एफिशिएंसी नहीं है तब तक दूसरी कोई बुक उठाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है? एनसीईआरटी को 100% आपको मैंने बोला है ना, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड आपकी जुबान पर होना चाहिए एनसीईआरटी का, इस लेवल तक आपको एनसीईआरटी को चाट जाना, ठीक है? इस लेवल पर जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम, ठीक है? चलो आ जाओ, अगला एग्जाम्पल कौन सा है आपका, 6.8 वाला हो गया, 6.9 भी देख लो, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल करवा देता हूँ एनसीईआरटी के। अच्छा 6.9 में आपको अभी नहीं कराऊंगा, 6.9 में आपको पहले म्यूचुअल इंडक्शन समझाऊंगा उसके बाद कराऊंगा। 6.9 वाला जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे आ जाओ, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट आज आपको बता ही देता हूँ। तो कल हम बात कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि आपका एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। एक कॉइल में आपका करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से आपका दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये होता था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सपोज ये वाली कॉइल में आपका करंट फ्लो कर रहा है और इसकी करंट की वजह से क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट कैरिंग कॉइल ऑलवेज प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो इसके साथ लिंक होगा, है ना, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जब इस कॉइल के साथ लिंक होगा, तो जब लिंक होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरी वाली कॉइल से लिंक करेगा, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके एरिया को कट करके जाएंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी दूसरे कॉइल के एरिया को कट करेंगी तो उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, और जब फ्लक्स जनरेट होगा तो हम फैराडे लॉ लगा के ईएमएफ निकाल लेंगे, ठीक है? ये इसका फंडा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब यही है, किसी एक कॉइल में करंट फ्लो होना उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होना, ठीक है? अब आ जाओ इसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, इसके केसेस देख लेते हैं, पीपीटी अपना ओपन करते हैं। बहुत टाइम से हमने पीपीटी को ओपन ही नहीं किया है ना, कहाँ गया हमारा पीपीटी? जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पर। हाँ देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है? पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन देख लो आप लोग सब, मेरे ख्याल से जानते ही हो, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में एग्जाम कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो बच्चों को स्टेटमेंट भी लिखना आना चाहिए। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग द ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल
एंड हैंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, प्राइमरी कॉइल में आपने करंट का चेंज किया जिसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज हुआ जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का जनरेशन हुआ. इस फिनोमिना को बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में हम क्या करते थे, आपका फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता था करंट पे. लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, जिस कॉइल में आप करंट फ्लो होता था उसी कॉइल में आपका फ्लक्स भी जनरेट होता था, है ना, उसी कॉइल में आपका फ्लक्स भी जनरेट होता था. अब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, समझ रहे हो? अब यहाँ पे मैंने देखो सबस्क्रिप्ट यूज़ किया फाई टू वन. फाई टू वन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम खाली यूज़ करते थे फाई, क्योंकि जिस कॉइल में आपका करंट होता था उसी कॉइल में आपका फ्लक्स भी होता था. तो मैं लिख देता था फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, और लिख देता था फाई इज इक्वल टू एल आई. ठीक है, इस तरह का हम पढ़ते थे सेल्फ इंडक्शन. लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, दो कॉइल्स हैं हमारे पास, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. सो आई विल यूज़ द सबस्क्रिप्ट फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल. फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल विच इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल. जितना फर्स्ट कॉइल में करंट होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा सेकेंड कॉइल. ठीक है, और जब इस प्रपोर्शनलिटी को आप हटाओगे तो आपको एक अनदर कॉन्स्टेंट मिलेगा विच इज इक्वल टू एम टाइम्स करंट इन फर्स्ट कॉइल. ठीक है, क्या हुआ बेटा, दिक्कत हो रही है क्या कहीं माइक में? आवाज़ आ रहा है सबको? अरे बाप रे, पहले बताते ना बेटा, सारी कहानी मैंने ऐसे बता दी. अच्छा ऐसा है क्या, पीपीटी वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? अरे रे 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 रे, वेट करो वेट करो. अरे आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा फ्लो में चला गया आगे, मुझे पता ही नहीं चला. एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को ही पढ़ा रहा था बेटा, हवा थोड़ी है मेरे पास, मेरे पास हवा है, मेरे पास पंखा है, मेरे पास दीवारें हैं, इनको थोड़ी पढ़ाऊंगा. हाँ मैंने कहावत सुनी है, दीवारों के भी कान होते हैं, हो सकता है दीवारें सुन रही हूँ. सर फॉर्म में आ गया? नहीं भाई, सर कहीं फॉर्म में नहीं आई, वा सर ने खबर ज नहीं पड़ी कि स्क्रीन नहीं शेयर करेलू तुम्हारी साथ. भाई सर कहीं फॉर्म में नहीं, सर को पता ही नहीं चला कि स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है. चलो अब दिख रहा है बेटा स्क्रीन सबको? अब स्क्रीन दिख रहा है ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है बेटा, स्क्रीन सबको दिख रहा है अब? अभी आवाज़ माइक ऑन करके बोल दो मेरे को एक बार, क्योंकि फिर मैं वापस यहाँ से बैक नहीं कर सकता. ठीक है? ओके बेटा, वेरी गुड. तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल. जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में आपका जो है फ्लक्स जनरेट होता है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल की जो फील्ड लाइंस है वो कट करती हैं. हैंस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शंस. एक में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज योर प्राइमरी कॉइल, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में आपका ईएमएफ पैदा हो रहा है. दैट इज, दिस फिनोमेना इज नोन एज योर म्यूचुअल इंडक्शन. अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, वही कॉइल में आपका करंट पास होता था और उसी कॉइल के लिए हम फ्लक्स निकालते थे. तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और हम इसको ऐसे लिखते थे फाई इज इक्वल टू एल आई. ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता था एल. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी दो कॉइल्स, वन इज योर प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज योर सेकेंडरी कॉइल. तो प्राइमरी कॉइल में आपका करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज़ करूँगा 21. 21 का मतलब है फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल. करंट किस में पैदा हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में पैदा हो रहा है.
जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज किस में हो रहा है, सेकेंड वाली कॉइल में हो रहा है. तो फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल विच इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू योर करंट इन फर्स्ट कॉइल. मतलब पहली वाली कॉइल में जितना ज़्यादा आपका करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स का चेंज आपका सेकेंडरी कॉइल में होगा. ठीक है, तो यहाँ से एक नया कॉन्स्टेंट आपको मिलेगा विच इज़ 521 विच इज़ इक्वल टू एम टाइम्स आई वन. ठीक है, वेर एम इज़ नोन एज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. दिस कॉन्स्टेंट एम इज़ नोन एज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, सेल्फ और म्यूचुअल में यही फ़र्क है कि सेल्फ में खुद की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती थी वो खुद की कॉइल को कट करके जा रही थी, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो पहली वाली कॉइल को कट करके जा रही है ना, पहली की वजह से दूसरी. प्राइमरी कॉइल में आपका करंट फ्लो हो रहा है और सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स क्रिएट हो रहा है. ठीक है, ये बात आप समझ गए, सब लोग समझ गए बात बेटा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. यस, अरे हाँ ना भी नहीं बोलते, क्या बात. ऑल ऑफ यू? यस सर. बहुत बढ़िया. यस सर. है ना, तो यहां पे एम को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. एम इज नोन एज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. एम इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? ठीक है, चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं अपन. द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द यूनिट करंट फ्लोस थ्रू अ प्राइमरी कॉइल. जब प्राइमरी कॉइल में एक यूनिट करंट फ्लो होगा तो कितना फ्लक्स आपका सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, देखो जब आपका करंट फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में जब आपका करंट का वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगा तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स के बराबर हो जाएगा. मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब आपका प्राइमरी कॉइल में एक यूनिट करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी कॉइल में जितना फ्लक्स जनरेट होगा दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम. ठीक है, अब ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास फैराडेज का लॉ हमेशा जिंदाबाद है. ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. है ना, सबस्क्रिप्ट का आप ध्यान रखोगे ईएमएफ जनरेट हो रहा है आपका सेकेंडरी कॉइल में और करंट फ्लो हो रहा है आपका प्राइमरी कॉइल में. यहाँ पे सबस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. देखो डी फाई टू वन का मतलब है फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल. इस सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल. ठीक है, तो यहाँ से ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा, माइनस एम इंटू डी आई वन बाई डी टी. अब यहाँ पे मैं खाली आई नहीं लिखूंगा, मैंने आई के साथ वन भी लगाया क्योंकि करंट आपका प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है और ईएमएफ आपका सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हो रहा है. ये सबस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करोगे ऑलवेज कीप दिस सबस्क्रिप्ट. सेल्फ इंडक्टेंस में कुछ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सेल्फ में जिस कॉइल की बात हो रही है उसी में आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ उसी में हो रहा है, तो हमें कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे आपकी दो कॉइल्स है तो आपको प्रॉपर सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा. इससे हमें पता चलता है कि ये वाली कॉइल में ईएमएफ पैदा हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, करंट किसी और में, ईएमएफ किसी और में, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, चलो आ जाओ. अब डी आई वन बाई डी टी का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी. तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो डेफिनेशन है, दिस इज योर डेफिनेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर डेफिनेशन नंबर 2. पहले जो हमने डिफाइन किया था वो फ्लक्स से रिलेटेड डिफाइन किया था कि जब आपका करंट का वैल्यू 1 हो जाता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स के बराबर हो जाता है. ठीक है, यहाँ से हमने फर्स्ट डेफिनेशन को डिफाइन किया. सेकेंड डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का आप यहाँ से निकाल सकते हो. फैराडे लॉ जब हमने अप्लाई किया तो फैराडे लॉ अप्लाई करके हमें ये पता चला कि
ई टू इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, अब जब डी आई वन बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जब इसका वैल्यू वन हो जाएगा तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ई एम एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे सेकेंड डेफिनेशन मिली, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस ई एम एफ सेटअप इन द सेकेंडरी कॉयल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल इज यूनिटी। जब प्राइमरी कॉयल में आपका करंट यूनिटी हो जाएगा तो सेकेंडरी कॉयल में जो ई एम एफ पैदा होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो डेफिनेशंस निकल के आई है और ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को स्टेटमेंट पे वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के स्टेटमेंट पे बच्चों को घुमा देते हैं। ठीक है, जो आपके नीट में असर्शन रीजनिंग वाले सवाल आते हैं ना, कई बार उधर भी ये हेल्पफुल होती है सब चीज़ें, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही, बोर्ड में आपको डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिए, दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस का नाम है और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम एम की वैल्यू फाइंड करते हैं वो पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब एक प्रोसेस का नाम हो गया, जिस फिनोमेना से हम ई एम एफ को जनरेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलेंगे, और जो एम की वैल्यू हम निकालते हैं दैट इज योर इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ तक सब लोग क्लियर हो बेटा? All of you clear up to this point? Yes sir. बहुत बढ़िया सर, शानदार तरीके से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कवर हो जाएगा। अच्छा, इसका भी यूनिट हेनरी होता है, जैसे आपका सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता था हेनरी, इसका भी यूनिट हेनरी होता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी वन हेनरी जब वन एम्पियर करंट प्राइमरी कॉइल में लिंक करता है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन वेबर अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉइल्स है तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो करता है जिसकी वजह से फ्लक्स का लिंक होता है वो सेकेंडरी कॉइल में होता है। तो जब प्राइमरी कॉइल में आपका करंट 1 एम्पियर हो जाएगा और सेकेंडरी कॉइल में आपका फ्लक्स 1 वेबर हो जाएगा, तब जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी कहलाएगा। फिर से बताता हूँ, जब प्राइमरी कॉइल में आपका करंट 1 एम्पियर हो जाएगा उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स होगा वो 1 वेबर के बराबर हो जाएगा, तब जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसको 1 हेनरी बोला जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड, दिस इज द कंसेप्ट पार्ट, ये कंसेप्ट है पूरा म्यूचुअल इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो गए? तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, टाइम तो है ना अभी हमारे पास, है नेक्स्ट स्लाइड, हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। बेटा थैंक यू भी बोल दिया इतनी जल्दी, क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? हाँ 5 मिनट है ना, पढ़ लो ना, नहीं पढ़ना क्या आप लोगों ने, ज़्यादा मस्ती करनी क्या? इसमें आपका एग्जाम्पल कवर हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 6.9, जो बच्चे का डाउट आया था 6.9 वाला, वो बेटा आपका इसमें कवर हो जाएगा, ये वाली थ्योरी में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर फटाफट, इसको कवर कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल नंबर 6.1 कवर हो जाएगा इस थ्योरी में। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो सोलेनोइड है, दिस इज योर सोलेनोइड 1 एंड दिस इज योर सोलेनोइड 2। ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल और यू कैन से प्राइमरी सोलेनोइड, एंड दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल और यू कैन से योर सेकेंडरी सोलेनोइड। सेकेंडरी सोलेनोइड को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि हमें ये पता चले कि इसमें अगर करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। प्राइमरी कॉइल को हम कनेक्ट कर देंगे, देखो प्राइमरी कॉइल में हमने करंट का फ्लो कराया, मतलब प्राइमरी कॉइल को हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिससे आपका करंट का फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में हमने करंट का फ्लो कराया और सेकेंडरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि हमें ये पता चले कि जब भी इस कॉइल में करंट का इंडक्शन होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी प्राइमरी कॉइल की वजह से, तो हमें पता है सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है विच इज B1 इज इक्वल म्यू नॉट टाइम्स N1 इंटू I1। अब देखो ये फर्स्ट कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो,
अब कितना फ्लक्स आपका प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा वो क्या होगा? फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल पर टर्न, क्योंकि ये आपका पर टर्न का वैल्यू आपको पता चल रहा है, ठीक है? तो पर टर्न का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी वन इंटू ए। तो बी वन का वैल्यू हमें पता है, बी वन का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो यहाँ पे जो एन होता है ना, स्मॉल एन, ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बार बार बच्चों को बताते हैं तो भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं आप। दिस एन वन इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है? तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स कितना लिंक हुआ सेकेंडरी कॉइल के साथ, ठीक है? विच इज म्यू नॉट टाइम्स एन वन इंटू आई वन इंटू ए, एन वन इंटू एल वन इंटू ए, ठीक है? तो पर यूनिट लेंथ हम निकाल रहे हैं ना, फॉर वन टर्न हम वैल्यू, फॉर वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, इतना फ्लक्स आपका लिंक कर जाएगा। अच्छा, अब सेकेंडरी कॉइल में भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने? एन है। सपोज करो सेकेंडरी कॉइल में आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो जब आप उसको एन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन वन एन टू एल वन ए अपॉन एल। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? ये पता नहीं बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बेटा फिर से बताता हूं, देखो इधर एकदम अच्छे समझ आ गया? हाँ चलो अच्छे समझ आया तो बढ़िया। तो इसी के बेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 6.9 है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर से और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं सारे कवर कर देंगे। मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा हमारा लग जाएगा इसमें। कल के दिन में आपका ये वाला पार्ट और आपका जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर कवर करवा देंगे। चलो आज हम क्लास को यहीं एंड करते फिर, ठीक है बेटा? बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिनको नहीं समझ आया बेटा कल फिर से हम रिपीट कर लेंगे, एक बार यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? इतना गुस्सा मत दिखाओ, ये गुस्सा कौन हो रहा है? चलो ठीक है।